संगीत गुप्ता महाकाल मंदिर उज्जैन, संगीत गुप्ता महाकाल मंदिर उज्जैन, 18th December 2022। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में आमतौर पर समय कितना लगना चाहिए। तो देखिए, आज मैं इस महाकालेश्वर मंदिर के शंख द्वार पे, देखिए समय को हम लोगों को चार हिस्सों में डिवाइड करना होता है। पहला तैयारी का समय, जिसके अंदर एक तरफ कंसेप्ट अप्रूवल पर समय लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों का आपस में कंसेप्ट ही अप्रूव नहीं हुआ, एग्री नहीं है कि हमें क्या करना है, हो सकता है कि आप कुछ और विचार कर रहे हों और फिंसिस की टीम कुछ और देना चाह रही हो। हर इंडस्ट्री थोड़ी सी अलग होती है कभी कभी, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये ध्यान रखनी होगी कि सबसे पहले आप 10 दिन 15 दिन कंसेप्ट अप्रूवल में लगाएं। जो फ्लो चार्टिंग या सिस्टम स्टडी वाला पॉइंट होता है ना, तो सिस्टम स्टडी को कंसेप्ट अप्रूवल में साथ साथ तब्दील किया जाता है कि हम लोग जो बेस्ट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं उन्हीं ऑप्शंस को आपके साथ डिस्कस करते हुए, बिकॉज हम लोग मान लीजिए कॉरोगेशन पैकेज है तो कुछ अलग तरह चलेगी, फ्लेक्सिबल है कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी, डुप्लेक्स मोनो गार्डन है फिर कुछ और अलग हो जाएगा, और कमर्शियल प्रिंटिंग है कुछ और हो जाएगा, पॉली ट्यूब का कुछ और हो जाएगा, लैमी ट्यूब का कुछ और हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों की जो फाइनल न्यूएंसेस हैं वो डिस्कस करनी ज़रूरी है। आपको कितने लॉक चाहिए, कौन सा लॉक नहीं चाहिए, जब तक डिस्कस नहीं होएगा तो कैसे होएगा, तो इन डिस्कशंस के अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। साथ साथ इन्हीं 15 दिनों के अंदर आपका क्लैरिटी आ जाएगी कि मेरे मास्टर कैसे होने चाहिए। एकदम से जल्दी मत करिए, हो सकता है मास्टर्स कई जगह ऐसा होता है कि मास्टर्स में 15 दिन काम होने के बाद, काम शुरू होने के बाद मैनेजमेंट को लगता है या दोनों पार्टीज़ को लगता है यार हमने मास्टर्स की लॉजिक ही गलत बना लिया। जिन लोगों ने शुरू में नींव रखी वो नींव के लिए उन्होंने वो समय नहीं लगाया जो लगाना चाहिए था, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है आज मैं शंख द्वार के आगे खड़े होकर महाकालेश्वर मंदिर में प्रभु की सानिध्य में आपके साथ कुछ विचार विमर्श डिस्कस कर रहा हूँ। और ये एक इम्पॉर्टेंट आइडिया जो आपके सामने रखा कि कुछ समय से लगाइए कि मास्टर फाइल बन कैसी रही है। मास्टर अप्रूवल में भी जो मैनेजमेंट है और मैनेजर्स हैं उन्होंने अनुभव होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं आप जूनियर मोस्ट को अलाउ कर दें कि भाई तुम लोग आपस में बना लो, दैट इज़ नॉट द बेस्ट वे। इससे जो बेटर वे है वो ज़रूर ऐसा ही है कि आप डिस्कस करें कि बन के क्या निकलने वाला है, ग्रुपिंग सब ग्रुपिंग क्या होएगी, आइटम का नेमिंग कैसे होएगी। अगर ये चीज़ आप ठीक से नहीं देख रहे तो कुछ मिक्सअप हो सकता है। अगला इंपॉर्टेंट एरिया आता है ये समझना कि पहले महीने में क्या और हो सकता है, दूसरे महीने में क्या हो सकता है, तीसरे महीने में क्या हो सकता है। आप ये मत सोचिए कि 6 महीने तैयारी करके अचानक एक दिन सब लाइव हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। जिस तरह हर संघर्ष के लिए बहुत सारे स्टेप्स चलने होते हैं, उसी तरह ईआरपी एक इम्पॉर्टेंट जर्नी है। इस इम्पॉर्टेंट जर्नी के लिए आपको कई स्टेप्स चलने होंगे, और इनमें से कुछ स्टेप्स क्या हैं कि भाई आपको सबसे पहले कंसेप्ट अप्रूवल किया, फिर आपने मास्टर्स पे साथ साथ पैरेलल में काम किया, बट मास्टर्स आपकी रजामंदी से और ठीक ठीक होने चाहिए जो आपको ओन करने हैं, क्योंकि ये मास्टर्स रोज़ बदल नहीं सकते। एक बार जो बन गए बन गए, बहुत साल तक शायद 5 साल 10 साल यही रहेंगे, और री इम्प्लीमेंटेशन करना आप जानते हैं एक बहुत बहुत लंबा काम होता है, इट्स नॉट अ ईजी जॉब, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। सो महाकाल मंदिर में ये भव्य प्रतिमाएं हमारे कल्चर, हमारे देश की संस्कृति को दिखाते हुए, और साथ साथ आपके साथ इस समय को यूटिलाइज करते हुए मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज़ किस तरह से आप इम्प्लीमेंटेशन को और बेटर कर सकते हैं। सो अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि आपने पहले महीने में आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आपकी इम्प्लीमेंटेड मान लीजिए आप SAP से या किसी और बहुत बड़े ERP से शिफ्ट कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी सब कुछ इम्प्लीमेंटेड है, सब कुछ आपका स्टॉक परफेक्ट है, आपका पेंडिंग ऑर्डर पोजीशन परफेक्ट है, पेंडिंग PO पोजीशन परफेक्ट है, आपका रीलवाइज स्टॉक परफेक्ट है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप जल्दी मत मचाइएगा, आप 15 दिन में मूव करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं हो पाएगा। किंतु लेकिन परंतु अगर इसके विपरीत आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि आप कहते हो कि भाई मेरे जो सिस्टम्स हैं वो कोई ऑर्गेनाइज नहीं है, मैं तो मेजरली एक्सेल में ही काम करता हूँ, मेरा मान लीजिए कोई बिजी टैली कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर से मुझे अब ERP भी अपग्रेड करना है, या मेरा SAP B1 जैसी कोई चीज़ है जिससे अगेन मुझे फिंसिस पे अपग्रेड करना है। तो अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके लिए बेटर रहेगा आप फास्ट इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो चलिए इन दोनों एरियाज़ को हम अलग अलग डिस्कस करते हैं कि फास्ट इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है और स्लो इम्प्लीमेंटेशन या केयरफुल इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है। महिषासुर वध की प्रतिमा जो भारत माता मंदिर के पास, श्री महाकाल मंदिर के पास एक बहुत सुंदर प्रांगण में
ये सभी मूर्तियाँ स्थापित हैं। आप सबसे सुझाव कि आप भी जरूर यहाँ आएँ, दर्शन का लाभ प्राप्त करें। बहुत सुंदर, साध्वी रितंबरा जी के ट्रस्ट ने प्रॉब्ली भारत सरकार के साथ मिलकर भारत की संस्कृति को पुनर्जागरण करने के लिए ये एक पहल करी है। भगवान के डिफरेंट रूप। सो हम यहाँ बात कर रहे थे इम्प्लीमेंटेशन में। मान लीजिए अब आप एक उस सेटअप से आ रहे हैं जिस सेटअप में आपकी इम्प्लीमेंटेशन पहले से कोई स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तब तो आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स आ सकते हैं और लेने भी चाहिए। इसमें आप क्या कर सकते हैं? देखिए, पहले एक महीने के अंदर आप टारगेट रखें कि भाई मेरे को अपने जो पीओ हैं, मुझे पेंडिंग पीओ रिपोर्ट करेक्ट लानी है। तो पेंडिंग पीओ रिपोर्ट करेक्ट लाने के लिए आप क्या करोगे, आपको पीओ बनाने होंगे और आपको एमआरआर बनानी होगी। अभी आपने स्टोर इशू पे अभी नहीं पहुंचे, अभी हम पहला टारगेट उठा रहे हैं कि पेंडिंग पीओ रिपोर्ट मेरे को सही चाहिए। तो जो वेंडर्स को सामान जा रहा है, वेंडर्स को जो पीओ जा रहा है, वो वेंडर्स का पीओ हमारा फिनसेस में जाना शुरू हो गया। तो सबसे पहला एक इफेक्ट आना शुरू हुआ, दुनिया को लगा अरे भाई हम तो लाइव होने शुरू हो गए। तो हमने सबसे पहले वेंडर्स का पीओ बनाना शुरू कर दिया। तो दूसरा हमने कार्य शुरू किया कि भाई इन्वर्ट करना है, कि पीओ के अगेंस्ट हमारे इन्वर्ट किया ही जा सकता है। तो जो पीओ के अगेंस्ट हमारे इन्वर्ट हो रहा है, गजा सुर संहार, देखिए गज के रूप में असुर आए होंगे तो उनका संहार प्रभु ने किया, तो ये एरिया उसको डिपिक्ट कर रहा है। महाकाल मंदिर में ये प्रभु का शेष नाग प्रभु के साथ, तो इस प्रांगण में अगेन एक हल्का सा परिक्रमा लेते हुए मैं आपके समक्ष आगे अगली बात रखता हूँ। तो आपने सबसे पहले पेंडिंग पीओ रिपोर्ट को कंफर्म करना सीख लिया, लोगों को आदत डाल दी। जब तक रिपोर्ट यूज़ नहीं कर रहे तब तक ईआरपी यूज़ करना बेकार है। तो आपने कहा भाई पहले 15 दिन के अंदर परचेज डिपार्टमेंट तुम्हारा काम है कि भाई प्रॉपरली तुम्हारे पास इंडेंट आना चाहिए। इंडेंट भी कौन बनाएगा? इंडेंट भैया परचेज डिपार्टमेंट ने नहीं बनाना। इंडेंट परचेज डिपार्टमेंट ने 10% से कम बनाने हैं। 90% इंडेंट जो होते हैं वो परचेज नहीं बनाएगा। परचेज को क्या मालूम क्या मंगाना है? परचेज को कोई रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो जो रिक्वेस्ट करने वाला डिपार्टमेंट है, चाहे वो स्टोर्स डिपार्टमेंट हो, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, वो लोग अपनी अपनी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमको सामान मंगवा दीजिए। तो इंडेंट कोई बनाएगा, फिर प्लांट हेड या डिपार्टमेंट हेड इंडेंट का अप्रूवल करेगा। उसके बाद परचेज ऑर्डर डिपार्टमेंट वाले परचेज ऑर्डर बनाएंगे, फिर परचेज ऑर्डर का हेड उसे चेक करेगा, एंड एक सेकंड डिपार्टमेंट कुड बी द डायरेक्टर, कुड बी एमडी टीम, कुड बी अकाउंट्स टीम, वो अप्रूव्ड बाय करेंगे। तो परचेज ऑर्डर मेड बाय, चेक्ड बाय, अप्रूव्ड बाय, ये होना चाहिए। ये सब चीज़ें पहले एक महीने में हो सकती हैं और होनी चाहिए। एंड इसके साथ साथ फिर आपने सिचुएशन को यहाँ पहुँचाया कि आपका पीओ रजिस्टर लाइव हो गया। पीओ रजिस्टर जो आपने लाइव किया, मैं इस महाकाल मंदिर के प्रांगण में जो नए पिलर्स बने हैं, कॉरिडोर है 700 मीटर वाला, उसके अंदर अब उसकी परिक्रमा कर रहा हूँ। हर पिलर में आप इसकी नक्काशी देख रहे होंगे। अगर आप इस मंदिर आ जाएं और ऐसे देश की संस्कृति को देखें तो आप ताजमहल जैसी चीज़ों को भूल जाएंगे। इतना सुंदर, इतना अनुपम दृश्य है यहाँ पर। आज सवेरे 7 बजे उज्जैन नगरी में पीएम मोदी साहब ने अभी कुछ महीने पहले ही, 1-2 महीने पहले इसका इनॉग्रेशन किया था, और इस जगह हम अपनी बात को रख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं इस मंदिर के सुंदर आर्किटेक्चर को और यहाँ के अंदर जो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, पॉजिटिव वाइब्स हैं। पीछे हल्की हल्की ओम की ध्वनि आ रही है, वो भी आपको सुनाई दे रही होगी। बहुत सुंदर, आप आएँ, परिवार के साथ आएँ। दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ अवर इंडिया, दिस इज़ द न्यू इंडिया। इंडिया की बहुत सी रेनबो की तरह बहुत सारे कलर्स हैं, ये भी कलर है। इसको देखिए, एंजॉय कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। सो अब आगे हम बात करते हैं कि भाई आपने एक तरफ परचेज ऑर्डर को सिस्टमेटिकली चलवाया और पीओ रजिस्टर देखना शुरू किया। कल क्या पीओ बने वो एग्जीक्यूटिव समरी जो डेली आती है उसमें आपको दिखने शुरू हो जाएंगे।
माल आने के बाद पीओ नहीं बनना, वेंडर को पीओ जाना है। वो जो वेंडर का पीओ जाना है वो फिनसिस से जाना है, और वो वेंडर का पीओ मेड बाय, चेक्ड बाय, अप्रूव्ड बाय होने के बाद जाना है। फिर आपने इंसिस्ट करना है कि माल आना चाहिए उस पीओ के हिसाब से। अगर माल ज़्यादा आ रहा है तो गेट पर रुकना चाहिए ताकि वेंडर पीओ के हिसाब से उस पर डिसिप्लिन आना शुरू हो, और अगर माल कम आ रहा है तो उसकी पेंडेंसी रिपोर्ट आनी चाहिए। अब एक तरफ आपने पीओ डिपार्टमेंट को, पीओ प्रोसेस को, पीओ प्रोसेस अकेले पीओ डिपार्टमेंट का काम नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपको देख रही होंगी ऊपर सुंदर मूर्तियाँ, तो मैं ये डबल काम कर रहा हूँ, मैं अपनी एंजॉयमेंट कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ रियलिटीज़ बता रहा हूँ किस तरह बेटर इम्प्लीमेंटेशन होती है, और मैं साथ साथ आपको उज्जैन नगरी में बम बम भोले जय महाकाल के दर्शन कराने की अपनी एक प्रयत्न कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको शायद इससे कुछ एक 2-in-1 एक आइडिया अच्छा लगे, और हो सकता है आप उज्जैन नगरी आए एज अ टूरिस्ट, आइए एज अ फैमिली आइए, आपको अच्छा लगेगा। ओके, सो हम बात कर रहे थे परचेज प्रोसेस, जिसमें प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, स्टोर्स, परचेज डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट सब इन्वॉल्व हो गए हैं ऑलरेडी। अब आपने कहा अब इससे नेक्स्ट कौन सा गोल मैं यथार्थ कर सकता हूँ, उस गोल को पूरा करने के लिए उसकी प्रोसेस को भी हमने साथ साथ चालू किया। ये कौन सी प्रोसेस है भाई? इस प्रोसेस के अंदर हम काम कर सकते हैं कि भाई मेरे को पेंडिंग पीओ रजिस्टर अब ठीक करना है। पीओ रजिस्टर चालू हो गया, अब पेंडिंग पीओ रजिस्टर कैसे आएगा? जब मेरी प्रॉपरली गेट एंट्री हो रही होंगी। तो प्रॉपर गेट एंट्री कैसे होगी? जब कोई करेगा। तो आपको जो भी माल आ रहा है उसकी गेट एंट्री करनी है, करवानी है। ये कौन करेगा? कि इसको दो पार्ट्स कर दीजिए आप। गेट एंट्री जो मेन गेट पे होगी आपको गार्ड से करानी है। आमतौर पे हर गार्ड को व्हाट्सएप यूज़ करना आता है, हर गार्ड को यूट्यूब यूज़ करना आता है, हर गार्ड फ़ोन यूज़ कर सकता है, तो फ़ोन पे, टैब पे, कंप्यूटर पे, जो उसको कंफर्टेबल हो। आपका जो भी सिक्योरिटी कंपनी है आमतौर पे उसके पास सुपरवाइजर्स होते हैं, नॉमिनल फ़र्क होता है उनकी सैलरीज में, एंड मुझे यकीन है आप उनसे बात करेंगे, वो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर वाला गार्ड भी दे सकते हैं, वरना टैब के ऊपर रिसीव करना 2 मिनट का काम है। तो आप यहाँ पर कोशिश करें कि आपने अपने गेट के ऊपर गेट की मेल मटेरियल की रिसीविंग शुरू करवानी है। गेट पर रिसीविंग करने से फ़ायदा क्या है भाई? गलत माल फैक्ट्री में नहीं आएगा। अगर ट्रक वाला माल दे ही गया, आपसे रिसीविंग ले ही गया, अब आप क्या कर लोगे? ट्रक तो गया, अब वेंडर से पीछे बात क्या कर लोगे? तो आपका प्रोसेस है मेन गेट के ऊपर माल को वैसे ही रोकना है जैसा किसी बड़ी कंपनी में रुकता है। अगर चाहे आप किसी गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंट, चाहे BHEL में पहुंच जाओ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में पहुंच जाओ, चाहे मारुति या हुंडई की फैक्ट्री पहुंच जाओ, चाहे आप LG सैमसंग पहुंच जाओ, क्या JCB में किसी बड़ी कंपनी में ऐसे ही माल कोई लेके जा सकता है? क्या कोई वेंडर कोड ऐसे ही खुल सकता है? सालों लग जाते हैं भाई साहब, तो भी वेंडर कोड नहीं खुल सकता। तो आपकी कंपनी में अननोन वेंडर कैसे माल लेके आ सकता है? बिना पीओ के माल लाना अलाउड नहीं है। तो आपका यहाँ पर अहम होगा कि मेन गेट के ऊपर कंप्यूटर हो, मेन गेट पे टैब हो या फ़ोन हो, जिसकी मदद से मेन गेट के ऊपर मटेरियल रिसीविंग हो। तो मेन गेट के ऊपर आपने MRR से पहला वाला रूप गेट एंट्री चालू करवानी है, और मेन गेट के ऊपर ही रबर स्टैंप धीरे धीरे हटवा देनी है। तो इस महाकाल मंदिर के कॉरिडोर में आज सवेरे 7:15 वॉकिंग करते हुए, आज दिसंबर 18 दिसंबर 2022 महाकाल मंदिर उज्जैन के प्रांगण में मॉर्निंग वॉक करते हुए आप लोगों के साथ सानिध्य हूँ। अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करते हुए, दिल की बात रखते हुए कि इम्प्लीमेंटेशन करते हुए आपकी लाइफ कैसे बेटर हो सकती है। ये सुंदर मंदिर देखिएगा, सुंदर पिलर्स देखिए, बहुत सुंदर। नेट के ऊपर स्टडी करिएगा, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस ब्यूटीफुल प्लेस एंड द पीपल हैव वर्कड सो हार्ड टू मेक इट अ सक्सेस स्टोरी। ओके, सो आपको गेट के ऊपर गार्ड से काम करवाना है, माल को वापस करने की आदत डालनी शुरू करनी है। वेंडर को कहना है भाई तूने फालतू माल भेजा क्यों? अगर मैंने 2 टन का माल का तुमको पीओ लगाया है, 5% टॉलरेंस समझ आती है, 2 टन मतलब 2 टन या मैक्सिमम 2.1 टन या 2.2 टन, तुमने 15 टन की गाड़ी कैसे लगा दी या 10 टन कैसे भेज दिया, उसके पैसे मैं क्यों दूँ? डोनेशन है क्या? डोनेशन है तो वेलकम है, अदरवाइज बिना पीओ के माल नहीं आएगा। डोनेशंस जो वेंडर देना चाहता है दे सकता है आपको, जो एक्स्ट्रा माल भेजना है भैया जरूर भेज दो, मगर हम एक्स्ट्रा माल आपसे नहीं लेंगे।
देखिए ब्यूटीफुल नेक्स्ट पार्ट ये अगली सुपर मूर्ति, ये गुरु विश्वामित्र, किसने गुरु विश्वामित्र प्रभु ने शांत करने के लिए खुद सामने लेट गए, प्रभु आप मेरे ऊपर अपना पावर रख दीजिए और शांत हो जाइए प्रभु। सो आपने गेट एंट्री को गेट पे करवाना है, MRR स्टेज पे नहीं करवाना, मेन स्टोर वाला गेट एंट्री नहीं करेगा टू द एक्सटेंट पॉसिबल। आपके पास अगर गार्ड है ही नहीं तो अलग बात है, बट ऐसी कौन सी कंपनी होगी जिसके यहाँ गार्ड नहीं होते हैं? तो गार्ड्स को सिखाइए, गार्ड्स भी खुश होंगे एंड उनके हाथ में वो पावर आएगी जिस पावर से वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। जिस तरह आपकी कंपनी में कोई फालतू इंसान बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकता, ऐसे थोड़ा ना कोई चलते हुए आ जाएगा, उसी तरह आपकी फैक्ट्री में कोई माल बिना परमिशन के नहीं आ सकता। क्योंकि माल अंदर आ गया तो याद रखिए उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, बिना पेमेंट के कैसे बचेंगे आप? तो इसलिए बेटर है आप वही माल दें जो आपको चाहिए। ये सुंदर सुंदर एक एक पिलर सैंडस्टोन में एक एक पिलर बना हुआ, हर पिलर के ऊपर इतनी सारी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ, एक से एक सुंदर अलग अलग मुद्राओं में, बहुत ही सुंदर। हमारे प्राचीन मंदिर भी शायद ऐसे ही होते थे, जिनमें से नॉर्थ इंडिया के तो काफ़ी मंदिर अब अवेलेबल नहीं है, बट इनको देखकर नई सुंदरता दिखती है अपने देश की, अपने संस्कृति की, और अच्छा लगता है। ओके, हम आगे अपनी बात करते हैं कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि भाई हमको गार्ड को भी इन्वॉल्व कर लिया, तो उधर हमने परचेज डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन को, स्टोर्स को, क्वालिटी को, सबको इन्वॉल्व किया था अपने अपने इंडेंट के लिए। अब हमने इन सबको इन्वॉल्व किया कि भाई गार्ड भाई साहब आप अपनी गेट एंट्री करोगे और स्टोर वाले आप गेट एंट्री के बाद, पहले गेट एंट्री हो चुकी है, अब गेट एंट्री के बाद MRR स्टेज पे आपका काम है। तो आपका काम क्या है भाई? वेंडर का जो बिल नंबर है वो तो वो डाल चुका, माल की वेंडर का बिल नंबर, बिल पार्टी का नाम, आइटम का नाम, वो सब तो वो डाल चुका। अब आपका काम है, देखिए ये है जो हमारा समुद्र मंथन की प्रोसेस को दिखाया गया है कि किस तरह से कैलाश पर्वत या जो भी है तो समुद्र मंथन किया जा रहा है, और जो विष निकला तो प्रभु शिव ने उस विष का ग्रहण किया, नीलकंठ हमारे प्रभु बने और शेषनाग जी ने समुद्र मंथन में यहाँ पे मदद किया था। सो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अगेन ये अगली प्रतिमा की तरफ आगे बढ़ते हुए और साथ साथ आपसे डिस्कस करते हुए कि MRR वाले का काम क्या है, MRR वाले का डॉक्यूमेंट्री काम तो पहले ही हो चुका, उसने क्या करना है, उसने मटेरियल के पैकेट्स को खोल के उसकी अब गिनती करनी है। पार्वती जी और उनके पीछे श्री गणेश जी चुपके से, जैसे छोटा सा बच्चा पीछे से खड़े होकर बातें करते हैं ना, तो नीचे देखिए लड्डू हैं, लड्डू माँ बना रही हैं और गणेश जी पीछे से देख रहे हैं मुझे लड्डू कब मिलेंगे। श्री गणेश और श्री पार्वती जी का खेलकूद, और ये उज्जैन नगरी में महाकाल मंदिर का ये सुंदर दृश्य। हम आगे बात कर रहे थे कि भाई आपने माल को MRR को टैगिंग जरूर करवानी है आप माल की, क्योंकि स्टोर वाले भैया का डेटा एंट्री वाला काम तो गार्ड कर चुका, उसे सिर्फ एंटर मारना है, एंटर मार के उसने गिनती को ओके करके बोलना है हाँ जी जो गिनती वेंडर ने अपने चलान पे लिखी थी, अपने इनवॉइस पे लिखी थी वो गिनती सही निकली, क्योंकि अगर वो गिनती गलत है तो आपका स्टॉक भी गलत हो जाएगा और आप वेंडर को गलत पेमेंट कर जाओगे। तो अपने वेंडर की गलत पेमेंट से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप इस स्टेज के ऊपर कंट्रोल करें। जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को प्रवेश द्वार से त्रिवेणी संग्रहालय के पास नंदी द्वार, महाकाल लोक, मानसरोवर हॉल होते हुए श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग के पुण्य दर्शन होंगे। माँ काली ये देखिए, इस मंदिर में इवन रावण की भी प्रतिमा है, रावण की प्रतिमा, रावण एक शिव भक्त थे और उन्होंने कैलाश पर्वत को एक बार उठा लिया था, तो कैलाश पर्वत को जो उन्होंने एक बार उठाया और किस तरह से कैलाश पर्वत को लंका जाने से रोका गया ये दिखाया है इस प्रतिमा में। बहुत सुंदर रावण का कैलाश पर्वत उठाना, ये शिव जी की
शादी विवाह की शोभा यात्रा, विवाह में वर रूप में जाने वाले शिव जी की शोभा यात्रा, बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर महाकाल मंदिर में आप सबके साथ मैं अगला पॉइंट डिस्कस करता हूँ कि भाई हमने अब काम शुरू किया माल के टैगिंग का। अगर आपकी फैक्ट्री में अभी भी माल की टैगिंग नहीं हो रही है तो कृपया करिए, आपके पास चाहे मेन फेंसेस है चाहे वेब फेंसेस है, दोनों में आइडेंटिफिकेशन टैग निकलते हैं। अगर आप विद बारकोड छापना चाहते हैं तो विद बारकोड छापिए, आपके कस्टमर्स को भी इंस्पेक्शन पे आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आप फीफो को बहुत अच्छा मेंटेन कर पाएंगे। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माल की टैगिंग ज़रूर करें। अगर माल के ऊपर आप स्टिकर लगा ही नहीं रहे हैं, बारकोड चिपका नहीं रहे हैं, या इवन बिना बारकोड का टैग नहीं लगा रहे हैं, तो कैसे भाई आप माल को पहचानेंगे कि ये माल कौन सा है, कौन सा माल है भाई, और इस माल का को कब खरीदा, किससे खरीदा, वो सब तो आप जान ही नहीं सकते। तो जिस तरह उज्जैन मंदिर में इतनी मेहनत करके इन्होंने ये मंदिर बनाया है, दीवारों पे ये कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं, बहुत सुंदर बहुत बढ़िया, मतलब एक बार तो हर इंसान को यहाँ आना ही चाहिए, बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर। आगे बात करते हैं, तो हमने माल को ऊपर बैर अकॉर्डिंग या जो भी है स्टिकर लगाना है, हमने ये प्रोसेस को शुरू करवाया। ये भी पहले महीने में हो सकता है, महादेव गिविंग मार्स टू द अर्थ, मार्स को अर्थ का सन बनाया गया। देखिए इन सबकी वीडियो ऑडियो ऑडियो वीडियो आप यहाँ सुन सकते हैं बारकोड को स्कैन करके। सो बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर, मतलब दिल खुश हो गया यहाँ आकर। थैंक यू FCBM, थैंक यू, आपने आपकी वजह से ये महर्षि दधीची स्टोरी यहाँ पे अब दिखाई जाएगी अगले इसमें। सो आप सबसे निवेदन कि आप भी यहाँ आए, आपको अच्छा लगेगा। क्विकली देखते हैं नेक्स्ट क्या है। पशुपतिनाथ जी, जय पशुपतिनाथ जी। देखिए शिव जी के ये पशुपतिनाथ जी, इनका रूप शिव जी का एक और स्वरूप। नीचे लिखा है विवाह प्रसंग में शिव लीला का शिव स्वरूप। देखो माता चंद्रशेखर महादेव, तो चंद्र को जब प्रभु के बालों में सजाया गया, जब प्रभु का विवाह कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें उनका चंद्र अभिषेक किया जा रहा है, चंद्र उनके बालों में सजाया जा रहा है। तो दोस्तों वापस आते हैं, तो आपने स्टोर इन्वर्ट करवाना शुरू किया, स्टोर इन्वर्ट को आपने कंपलसरी किया। जब स्टोर इन्वर्ट आपका कंपलसरी हो गया तो आपका PO रिपोर्ट आनी ठीक हो जाएगी, और स्टोर रजिस्टर का एक हिस्सा इन्वर्ट वाला। जो इनवर्ड वाला रूप है मटेरियल का, वो इनवर्ड वाला रजिस्टर का इनवर्ड वाला हिस्सा शुरू हो गया, आपने कंपलसरी कर दिया कि बिना इनवर्ड MRR के, और MRR का प्रिंट स्टैपल करना है आपको, MRR का प्रिंट स्टैपल करना है, सिर्फ साइकिल नहीं चलानी, सिर्फ ट्रेनिंग नहीं लेनी, सिर्फ इनवर्ड की एंट्री नहीं करनी, परचेज के बिल के ऊपर MRR प्रिंट होनी है, परचेज के बिल के ऊपर श्री काल भैरव, तो MRR के साथ हमको तो आपने MRR को कंपलसरी किया, और MRR के अलावा मटेरियल की टैगिंग को कंपलसरी किया। अब अगली गाड़ी शुरू होती है मटेरियल इशू की, तो आपने इशू को कंपलसरी करना है कि भाई माल तो फैक्ट्री चल रही है, स्टोर चल रहा है, तो स्टोर में इशू की एंट्री कंपलसरी क्यों नहीं हो सकती। अनुपम अति सुंदर बहुत ही सुंदर। तो इसी मंदिर के एक और सर्कल पे यहाँ पे देखें अभी, तो हम बात कर रहे थे कि मटेरियल की इशू की एंट्री करनी ज़रूरी है। अगर आप मटेरियल की, महर्षि जमदग्नि अस्त्र शस्त्र संजीवनी विद्या के ज्ञाता,
चिकित्सा शास्त्र के विद्वान और विष्णु अवतार भगवान परशुराम के पिता, जो हमारे देश के संस्कृति के बड़े बड़े गुरु हुए हैं, योगी हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। महर्षि गौतम, स्मृतिकार, न्याय शास्त्र के प्रवर्तक, धनुर्वेद के ज्ञाता और प्रातः स्मरणीय पंच कन्याओं में सम्मिलित माता अहल्या के पति। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, कितनी सारी प्रतिमाएं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों, मेटेरियल इशू की एंट्री करने के दो स्वरूप होते हैं। एक परफेक्शन का स्वरूप होता है, महर्षि विश्वामित्र, एक परफेक्शन का स्वरूप होता है कि भाई हम तो प्रोडक्शन के जॉब कार्ड और बिल ऑफ मेटेरियल के बाद ही माल इशू करेंगे। वो अच्छी बात है, परफेक्ट बात है, वो बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। बट भैया अभी तो बॉम्ब बने नहीं, अभी तो FG भी नहीं बने, सपोज नहीं बने, डिसाइड होने में टाइम लग रहा है, मशीनें फाइनल नहीं हुई, अभी प्रोडक्शन वालों की ट्रेनिंग भी नहीं हुई, तो क्या स्टोर की एंट्री, इशू की एंट्री नहीं होगी? होगी, करनी होगी। और हमको स्टोर इशू भी पहले महीने में ही शुरू करना होगा। इसके अंदर हमारे पास एक सीरीज़ होती है, 38 सीरीज़, जिसकी मदद से हम माल को इशू करेंगे। महर्षि अत्रि जी, फ्रॉम द आइज ऑफ ब्रह्मा क्रिएटेड 5th मंडल ऑफ द ऋग्वेदा एंड गाइडेड लॉर्ड राम ड्यूरिंग हिज एग्जाइल। सो दोस्तों, इतना बड़ा प्रांगण है, इतनी सारी कथाएं हैं, पूरा दिन भी लग जाए कम है। तो आप सबसे अनुरोध कि आप सब जब आपको मौका मिले, आपकी इच्छा हो, बहुत आसान है, इंदौर एयरपोर्ट से हार्डली 1 घंटे की दूरी के ऊपर है, आप लोग आएँ और एंजॉय करें। इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ की हुई है हर चीज़ की, इट्स सिंपली अमेजिंग। देखिए कितने सारे पिलर्स हैं, जैसे हमारे प्राचीन मंदिरों में ऐसा आपने देखा होगा, कुछ कोर्टयार्ड्स होते थे या पिलर्स ही पिलर्स होते थे, और कितनी नक्काशी वाले इतने सुंदर पिलर। देखिए कितने असंख्य लोगों ने इसमें अपना तन, मन और धन लगाया होगा, किसी ने तन, किसी ने मन, किसी ने धन, और इतने सुंदर हमारा ये मंदिर स्थापित हुआ। महाकाल मंदिर का ये 2022 दिसंबर का स्वरूप है। आगे आने वाले सालों में इसके लिए और भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलके बहुत कुछ कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में और खुशी होगी, इसके और भव्यता बढ़ती जाएगी और उसको देखने में। तो दोस्तों, अगर मेरी ये जो मेहनत है इसको आपने सफल करना है, तो इसके लिए आपने अपने सक्सेस को, अगर सक्सेस स्टोरी बनानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है आप इस बारे में ज़रूर विचार करें कि भाई मटेरियल की इशू की एंट्री पहले महीने में क्यों नहीं हो सकती। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब बॉम्ब बन जाएगा, जब सारे बॉम्ब बन जाएंगे और सारे बॉम्ब अप्रूव हो जाएंगे, भाई साहब ये कोई मजाक है क्या? सारे बॉम्ब अप्रूव हो जाएंगे तो तब तक आप माल इशू नहीं करेंगे क्या? फैक्ट्री नहीं चल रही क्या? सर, माल तो इशू करना शुरू करिए, फिलहाल आप विदाउट बॉम्ब इशू करिए, क्योंकि आप माल को इशू तो करें ताकि काम तो शुरू हो। अगर आप काम को ही नहीं शुरू होने देंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? और अगर गाड़ी शुरू नहीं होएगी तो आप मेस में रहेंगे, आपका स्टॉक इन हैंड पहले मंथ के एंड में कैसे पता चलेगा, पहले महीने के एंड में कैसे पता चलेगा? देखिए, जय महाकाल। तो मटेरियल की इशू की एंट्री पहले महीने से ही करने की, कंपलसरी करने की कोशिश करिए। होता है सर, एक्सेल में भी तो दुनिया कर रही है। त्रिपुरासुर के आतंक के केंद्र तीनों पुरों को शिवजी ने एक साथ जलाकर राख कर दिया और वो एक साथ भूमि पर गिर पड़े, ऐसा कुछ दिखाया है कि उसके ये तीन सर थे और प्रभु, और वो ऐसे निकलते होंगे, तंग करते होंगे, तो शिव जी ने इकट्ठे अग्निबाण चलाया, उसके तीनों सरों को नाश किया और जला दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इतना सुंदर, इतना अनुपम, इतना न्यारा, दिल खुश हो गया, बहुत ही सुंदर। बुद्ध, यानी कि यहाँ पर डिफरेंट जो हमारे सूर्यदेव हैं सेंटर में, और हमारे जो नवग्रह हैं, अब ये नवग्रह दिखाए गए हैं। ऊपर पिलर्स देखिए, सिंपली ब्यूटीफुल, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, अमेजिंग, आई एम सो लकी आई एम हेयर टुडे। इस मूर्ति रूप में माँ पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी के साथ, कार्तिकेय और गणेश जी भाई हैं, और इनको माता पार्वती अपने सानिध्य में बचपन में इनको ले जा रही हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है।
तो बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से खुशी हो रही है कि मैं कितनी अच्छी जगह आया। थैंक यू FCBM, इंडियन फेडरेशन ऑफ कॉर्गोरेट बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आपकी वजह से इतना अच्छा ये सोल्यूशन हुआ, हम सब यहाँ आए देख पाए। भारत माता मंदिर उज्जैन, महाकाल ईश्वर मंदिर के सानिध्य में साध्वी रितम्रा जी के हाथ से इसका, इस अखंड दीप का स्टार्टिंग हुआ था, और इतना सुंदर ये भारत माता मंदिर हम लोगों को प्रेरणा देता है कि हम सब अपने अपने देश के लिए और अपने भारत देश के लिए हम क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। हर एक कोई देखिए बॉर्डर पे नहीं जा सकता, हर एक कोई वो काम नहीं कर सकता जो और लोग कर रहे हैं, बट हर एक कोई अपने अपने कार्य में अपनी अपनी जीवन शैली में वो काम करे जिससे देश का भला हो, अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में, अपने कार्य में हर वो अच्छा काम करें जिससे देश का भला हो, समाज का भला हो। फॉर एग्जाम्पल इफ वी कुड ऑल जस्ट ऑर्गेनाइज आवरसेल्व्स दैट वी डोंट वेस्ट मनी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू कुड सिंपली स्टार्ट डूइंग वन थिंग, रिड्यूसिंग द वेस्टेज ऑफ मैन मशीन मटीरियल यूजिंग द वेरियस टेक्नोलॉजीज यू ऑलरेडी हैव, हाउ कैन वी मेक आर बिजनेस बेटर, हाउ कैन वी मेक आर सेल्स मोर एफिशियंट, एंड देयर आर बिकॉज ऑफ दैट आर कंट्री विल मोर एफिशियंट एंड वी डोंट हैव टू इम्पोर्ट थिंग्स फ्रॉम सम चीपर कंट्रीज। So saving the foreign exchange, making our lives better, making our country better. So friends, this is a proposal in front of you from this Bharat Mata Mandir, Ujjain. So how we can make our contributions to our mother country. So this contribution would go a long way in making us a stronger country. And this is Kamal Sarovar. इसमें शाम को शायद झरने भी चलते हैं, देखिए झरने फाउंटेंस कितने सारे बने हुए हैं, शेर चारों तरफ शेर हैं और बीच में महाकाल महाप्रभु शिव जी हैं, और नीचे सरोवर में बहुत सुंदर सुंदर कमल बने हुए हैं जिनके बीच में भी फाउंटेंस ज़रूर होंगे। सो प्रभु कितना सुंदर मुझे ये दृश्य आपने दिखाया, इसका थैंक यू। और हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए, डिस्कशन करते हुए, दोस्तों पेंडिंग PO रिपोर्ट देखना कंपलसरी काफ़ी दिन पहले आपने कर दिया था, मटेरियल इनवर्ट रजिस्टर देखना आपने कंपलसरी कर दिया, और मटेरियल इनवर्ट रजिस्टर पे साइन करना कंपलसरी कर दिया कि हर रोज़ मटेरियल इनवर्ट रजिस्टर को भैया आप लोग साइन करो, क्योंकि अगर आप उसको साइन कर रहे हो तभी हम जानेंगे कि आप 100% काम कर रहे हो, ताकि बैक डेट में ना कुछ आना ना बैक डेट में कुछ एडिट होना, इट हैज़ टू बी लॉक्ड। एंड देयर आफ्टर हमने ये कोशिश किया, खूब सारी ग्रीनरी भी है सब तरफ, खूब सारे प्लांट्स लगा रखे हैं, वेरी नाइसली मेंटेन्ड, अ ब्यूटीफुल प्लेस त्रिवेणी। कितने सुंदर सुंदर एंट्री गेट्स और रात के लिए लाइटें, इनमें देखिए लाइटें लगी हुई हैं, फोकस लाइट्स, कितना सुंदर लगता होगा। तो हमने कुछ देर पहले रात की अर्ली मॉर्निंग में इसका रात वाला लुक लिया, अब हम इसका डे वाला लुक ले रहे हैं। सवेरे के 7:30 लगभग बजे हैं और इस सरोवर में देखिए पानी इस टाइम ऐड किया जा रहा है, और पानी की आवाज़ बहुत ही सुंदर। पिलर्स, ये अगेन एक एंट्री गेट है, ऊपर छत देखिए, You can't miss this. You must visit Ujjain and visit this Mahakal Mandir with the beauty. Beautifully erected, inaugurated by PM Modi recently. It's simply a beautiful piece of architecture, beautiful Indian heritage and Indian modern putting together. क्या लिखा है? महाकाल लोकस्य
प्रथम चरणस्य लोकार्पण श्रीमत नरेंद्र मोदिन प्रधानमंत्रिणः करकमलाभ्याम समम पनम अन्योः गरिमामय उपस्थितो श्रीमान मंगू भाई पटेल है, राज्यपाल मध्य प्रदेश है, श्रीमान शिवराज सिंह चौहान है, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, उज्जैनी नगरी मध्य प्रदेश, मंगलवार 11 अक्टूबर 2022, यानी सिर्फ 2 महीने पहले श्री महाकाल लोक प्रथम चरण का लोकार्पण श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा हुआ। बहुत ही सुंदर फीलिंग कि आज हम इस चीज़ को यहाँ इतने नज़दीक से देख पा रहे हैं। आप सबको निमंत्रण, आप भी सब यहाँ आएँ और इस अद्भुत जगह खुश होएं आप देखकर। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्यु लोके महाकालम लिंगत्रयम नमोस्ते। ये शिव जी के डिफरेंट रूप, ये गणेश जी का रूप। तो दोस्तों, जब तक आप शुरू से फोकस आपका एमआरआर चलाना नहीं है, फोकस एमआरआर रजिस्टर चलाना है, फोकस पीओ बनाना नहीं है, फोकस वेंडर को पीओ देना और पेंडिंग पीओ की ऑटो ईमेल भेजना है, ऑटोमेटिकली बहुत सी और चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। फोकस सिर्फ एमआरआर बनाना नहीं, स्टॉक रजिस्टर है, आपको स्टॉक रजिस्टर पे फोकस करना है कि मेरा स्टॉक रजिस्टर डेली बेसिस के ऊपर सर्कुलेशन में आ जाए। हर रोज फिजिकल वेरिफिकेशन आपका फोकस है। पहले महीने के अंदर आते आते ये नंदी द्वार पे हम खड़े हैं, तो ये इतना सुंदर मंदिर उज्जैन, यहाँ पे फ्लाईओवर आया और जियो रिलायंस जियो के ऐड शुरू हुए हैं। अभी तक तो लग रहा था आप किसी और ही युग में, किसी और ही समय में हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। तो अंदर बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में हम थे पिछले कुछ एक दो घंटे से, तो अब वापस गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देने लगी, रिलायंस जियो के ऐड दिखे, तो पता चला ओके ये देखिए यक्ष नाम से इस मूर्ति पर लिखा है और ये कितने सुंदर फ्रंट गेट्स। तो दोस्तों, आपने अगर फोकस सिर्फ अपना स्टोर की स्टॉक रिपोर्ट को डेली देखना शुरू कर दिया, फिर आपने अगला फोकस किया मुझे मिनिमम लेवल चाहिए, मिनिमम लेवल की रिपोर्ट चाहिए, तो मिनिमम लेवल बेस्ड कौन सी आइटम्स मिनिमम लेवल से कम है, कौन सी आइटम मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा है, कौन सी आइटम रीऑर्डर लेवल से कम है और उनका ऑर्डर हो जाना चाहिए, जब तक आप उनको नहीं देखेंगे तब तक आप ERP को अपनी प्रतिभा के 40% पर यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, ERP को फास्ट करना है, अगर है आपने ये सारी बातें जो मैंने इस वीडियो में बोली, एक मुखड़ा है उस बात का, इसके ऊपर आप ज़रूर विचार करें और कोशिश करें। आप ये करेंगे आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, उज्जैन नगरी महाकाल मंदिर, इसमें आप नंदी गेट की तरफ से अब हम जैसे मान लीजिए एंटर किए, तो कितना सुंदर कॉरिडोर दिख रहा है, कितना सुंदर मौसम, कितना सुंदर देवी सती की जन्म की कथा। तो डिफरेंट देखिए, पूरी दीवार के ऊपर कितने सारे मुरल्स, भस्मासुर गॉट एरोगेंट आफ्टर बीइंग ब्लेस्ड बाय शिवा एंड ट्राइड टू किल हिम, विष्णु टू टेक मोहिनी अवतार टू पुट एन एंड टू लाइफ ऑफ भस्मासुर। सो ऑलमाइटी थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस, thank you for blessing us and we were able to come here and see this beautiful place and record this video for the benefit of all of our Finsis family, Finsis Parivar, and share with you how we can make our implementations better and faster. All this planning is meant for those companies who are not currently running another ERP software. So even those who are running a good software, even for them activity would actually add value and give results faster and better. It will give faster and better results because then you are focusing on output, not merely transaction. So making of a PO, making of a MRR is a transaction. Making 20, 30, 40 transactions and then forgetting, आपको पता भी नहीं चलेगा कब प्रोसेस बंद हो गई. बट अगर आपने प्रोसेस इसकी जगह बनाई कि मुझे स्टॉक रजिस्टर डेली क्यों नहीं आ रहा,
पेंडिंग पीओ रोज क्यों नहीं आ रहे, पेंडिंग एसओ की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही, डिस्पैच प्लानिंग पेंडिंग सेल ऑर्डर रिपोर्ट से ही आनी चाहिए, शेड्यूल्ड सेक्शुअल रिपोर्ट से आनी चाहिए, तो आप एक्चुअली ईआरपी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसी तरह आप जो क्रिटिकल हमारी 35 रिपोर्ट्स हैं, इसका एक और वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, बेस्ट 35 रिपोर्ट्स इन द फिनसिस ईआरपी। तो महाकाल की इस अनुपम मंदिर पे यहाँ गंगा अवतार के बारे में दिखाया जा रहा है। ये जो नंबर लिखे हुए हैं इनके हिसाब से आपकी जो ऑडियो है जो ऐप में चलती है उसमें एक एक को आप स्कैन करके देख सकते हैं और उस मेन्यू में जा सकते हैं और आपको सिस्टम बताएगा कि ये इस मुराल में इस दीवार पे सैंडस्टोन पे, देखिए सैंडस्टोन के ऊपर सिंगल पीस सैंडस्टोन्स के अंदर या मल्टीपल पीस सैंडस्टोन्स में ये जो पूरी पूरी स्टोरीज़ हैं, कथाएं हैं, इनको दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर चित्रण और बहुत अच्छा लगा हमें, आपको भी अच्छा लगेगा जब आप यहाँ आएंगे। देखिए कितने पूरे जंगल की तरह से बेल बूटियाँ, ये शिव जी, नंदी जी, पार्वती जी, डिफरेंट डिफरेंट रूप, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से डिफरेंट चीज़ों को दिखाया गया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत खुशी हो रही है यहाँ आकर। कितने अच्छे फूल भी लगे हैं, सिर्फ 2 महीने पहले इतने बड़े मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ है। बहुत सुंदर मेहनत जिन सब की करी, उन सबको नतमस्तक हैं हम। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों जिस तरह ये मंदिर बनाना एक बहुत बड़ी बात थी, वैसे ही ईआरपी इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ी बात होती है अगर आप ठीक से करें। तो कृपया आप लोग ठीक से इम्प्लीमेंट करें, ठीक से फोकस होकर काम करें, क्योंकि अगर आप छोटी ट्रांजेक्शन्स को कर करके छोड़ देंगे तो इम्प्लीमेंट नहीं होएगा। अगर रिपोर्ट देखनी नहीं सीखी तो सीखा क्या, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ कुछ एंट्रियाँ कर ली उससे काम नहीं चलेगा। आपको बहुत आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ के इन रिपोर्ट्स को देखना होगा। इसी तरह अकाउंट्स में आप फोकस करिए, मुझे चाहे कुछ दिन पैरेलल चलाया भाई, मुझे डेटर आउटस्टैंडिंग देखनी है, मुझे क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग देखनी है, मुझे एक महीने का पीएनएल देखना है, एक महीने का कैश फ्लो फंड फ्लो देखना है। जब आप एक महीने का पीएनएल, एक महीने की बैलेंस शीट बना लेंगे पैरेलल, तो अगले महीने तब तक निकल जाएगा। उस महीने की 20-25 तारीख शायद अगला महीना पूरा खत्म हो जाए, तो दूसरे महीने ही कर लीजिए। 2 महीने आप बैलेंस शीट बना चुके। सो दोस्तों यहाँ पर हम अपनी महाकाल मंदिर यात्रा को कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ते हुए और आपको दिखाते हुए कि कितना कुछ है जो आप यहाँ देख सकते हैं। आनंद, दिल से भी आनंद और दृष्टि से भी आनंद आप पा सकते हैं। आपका सजेशन, प्रभु जी की जय हो, प्रभु ने हमको यहाँ पहुँचाया और आपके साथ अपने दिल की कुछ बातें साझा करने की प्रेरणा दी और मौका दिया। आप सबसे ये प्रार्थना है कि इसी तरह से अपनी प्रोडक्शन की रिपोर्ट्स पे फोकस करें कि भाई मुझे डेली डाउन टाइम की रिपोर्ट तक पहुंचना है। डेली डाउन टाइम रिपोर्ट दिखाओ ना, तो डेली डाउन टाइम रिपोर्ट के लिए पीछे पीछे मास्टर्स अपने आप बन जाएंगे, FG बन जाएंगे, बॉम्ब बन जाएंगे। नहीं बने कोई बात नहीं, एक मशीन से शुरू करो। क्या एक मशीन की डाउन टाइम रिपोर्ट से काम शुरू हो सकता है? शुरू तो करो। फोकस डाउन टाइम रिपोर्ट विद रीजंस है, फोकस रिजेक्शन रिपोर्ट विद रीजंस है, फोकस कापा है, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। अगर आपने सिर्फ रिपोर्ट तक भी रुक गए तो भी काम नहीं बनेगा। ये जितनी रिपोर्ट्स बन रही हैं इनका करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन आपका असली फोकस है। प्रॉब्लम को प्रिवेंट करना है, वो प्रॉब्लम हो गई तो करेक्ट करना है और कुछ ऐसा प्रिवेंशन मीडियम आपने निकालना है कि आप उस एरर को ही रोक सकें, आगे आने वाले समय में वो एरर ना हो। यही बेसिक टारगेट। संगीत गुप्ता, महाकाल मंदिर, उज्जैन, 18th December 2022। तो दोस्तों MIS रिपोर्ट्स को देखना आदत बनानी है, MIS रिपोर्ट्स की मदद से कंपनी चलानी है। ERP इम्प्लीमेंटेशन में सिर्फ सोचने से काम नहीं होता, सिर्फ डेटा एंट्री से काम नहीं होता, MIS रिपोर्ट्स पे फोकस करना, उस MIS रिपोर्ट को ओके करने के लिए जो उसके प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ हैं उन पे काम करना और उन प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुल बनाकर, उन रिपोर्ट को देखकर, उन रिपोर्ट्स से डेरिवेटिव करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन लेना, वो हमारा मेन फोकस है। अगर वो हमने कर लिया तो हम विजयी ज़रूर होंगे। भारत माता मंदिर,
उज्जैन सुबह की अंदर देश के नाम शहीद होने वालों की याद में एक अमर ज्योति जली हुई है। साध्वी तंबरा जी ने इसकी स्थापना करी। वंदे मातरम की को राष्ट्रीय गीत का दर्जा है, तो हम सब यहाँ वंदे मातरम गीत को वंदे मातरम